नमस्कार, टुडे वर्ल्ड न्यूज से मैं दिव्यांशु कुमार झा। आज मैं आपको एक ऐसे पुल का तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो पुल इतना भयानक लग रहा है, जो अगर इसमें इसकी मरम्मत नहीं हुई तो लगता है जो ये मानवीय इस पर घटना हो सकती है। क्योंकि इस पर हम जितना जानते हैं, जिसमें इस सड़क के माध्यम से हजारों लोग डेली आते जाते हैं, लेकिन सब लोग आते हैं और सिर्फ जाते हैं, बगल तो देखते हैं, उनको लगता है जो टूटा हुआ है, लेकिन इसको सही कराने के लिए उनके पास कोई विचार नहीं होता और इसके बारे में वो सोचते भी नहीं हैं, जो फजूल का समय इसके प्रति क्यों व्यतीत करें। हम सबों ने समय को निकाल करके, ये सार्वजनिक मामला है इसलिए इसको जनता के समक्ष रखना जरूरी है। हम सबों ने इसके लिए प्रयास किया है। अभी हमारे बगल में दो भाई साहब भी हैं जो स्थानीय हैं, यहाँ के अगल बगल के ही हैं, तो ये बताएंगे जो इस पुल का स्थिति जो है कितने दिनों से ऐसे बना हुआ है, और इस पुल के नज़ारों को देखने के बाद ये क्या कुछ कहते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। क्या भैया, ये पुल कब से टूटा हुआ है? लगभग एक महीना हो गया। एक महीना हो गया, तो लोग आते जाते हैं, आप उनको कोई समस्या नहीं होता है क्या? होता है, बहुत परेशानी होता है, रात बिहार का और दिक्कत है। रात में भी लोग इस पुल से आते जाते हैं, और इस इधर से ये राजा पाकर का एरिया पड़ता है, राजा पाकर से भलुई के क्षेत्र में जो भी लोग जाते हैं वो यही रास्ते से जाते हैं, क्योंकि एक और दूसरा रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, बंद पड़ा हुआ है, और ये रास्ता जो एक मात्र विकल्प है, इसमें भी आधा रास्ता जो है टूटा हुआ है, इसमें साइकिल से या मोटरसाइकिल से ही लोग आ जा सकते हैं, और जो है ये भी टूट चुकी है। अब लोग जो है राजा पाकर से भलुई के पार जो है भलुई के अंदर किस प्रकार से जाएंगे, इसके लिए हम यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहेंगे जो इनको तत्काल जो है इस पर अपना संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।